अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां वनिता और कद्रु कश्यप ऋषि से वरदान मांगती हैं। कद्रु जहां 1000 पुत्रों का वरदान मांगती है और 1000 नाग पुत्रों को जन्म देती है, तो वहीं वनिता के बारे में अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने जिक्र नहीं किया था। हालांकि हमने आपको ये बताया था कि वनिता ने कश्यप ऋषि के सामने ये बात रखी थी कि मेरे 1000 नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही पुत्र हों, लेकिन वो 2 पुत्र ऐसे हों जिनका पराक्रम कद्रु के 1000 पुत्रों पर भी भारी पड़े। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम कश्यप ऋषि और वनिता के इन 2 पुत्रों की ही बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब कद्रु के अंडे फूट रहे थे, तब वनिता ये देखकर सब्र नहीं कर पाई। वो इस सोच में पड़ गई कि कद्रु के अंडे तो फूट गए, लेकिन अब तक मेरे अंडे नहीं फूटे हैं। इसीलिए वनिता ने बेसब्र होकर एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। उस अंडे में से अपूर्ण बालक बाहर निकला। जी हाँ, वनिता की जल्दबाजी के कारण वो बालक अपूर्ण ही रह गया। अंडे से बाहर निकलने के बाद उस बालक को अपनी माँ पर बेहद क्रोध आया। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तुम्हारी वजह से अपूर्ण हूँ, तुम्हारी वजह से मैं पूर्ण नहीं हो पाया, इसीलिए तुम भी जिस वनिता से जलकर तुमने इस अंडे को पहले फोड़ दिया, उसकी दासी बनकर रहोगी। लेकिन जब फिर उसने अपनी माँ को रोते देखा, तो उसने पलट कर ये कहा कि अगर तुमने दूसरे अंडे को अपने आप फूटने दिया और जल्दबाजी नहीं की, तो तुम्हारा दूसरा पुत्र ही तुम्हें कद्रु की दासता से आजाद करवाएगा। वनिता ने ऐसा ही किया। उसने अपने पहले पुत्र के कहने पर अपना दूसरा अंडा जल्दबाजी में नहीं फोड़ा और उस अंडे से महापराक्रमी गरुड़ निकले। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वो 1000 नागों पर भारी पड़ते थे। एक दिन जब गरुड़ ने अपनी माँ को बेबस और लाचार देखा, तो उसने कहा कि माँ, क्या मैं तुम्हें इस दास्ता से आजाद करवाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? तब वनिता ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो तुम्हें कद्रु से ही मिलेगा। जिसके बाद गरुड़ ने अपनी सौतेली माँ कद्रु से ये सवाल किया कि आप मेरी माँ को अपनी दास्ता से कैसे आजाद करेंगी, इसके चलते मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर पलट कर कद्रु ने कहा कि अगर तुम मेरे बेटों के लिए अमृत लाकर दे दो, तो मैं तुम्हारी माँ को अपनी दास्ता से आजाद कर दूंगी। गरुड़ जानते थे कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमृत की रक्षा स्वयं भगवान इंद्र करते थे। गरुड़ पुराण में शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि अमृत को पाने के लिए गरुड़ ने भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु से ये वरदान लिया कि वो न केवल अमृत को पालें, बल्कि उनकी माँ भी इस दास्ता से छूट जाए। भगवान विष्णु गरुड़ की तपस्या से बेहद खुश हुए और उन्होंने ही गरुड़ की माँ को कद्रु और उनके नाग पुत्रों की दास्ता से आजाद करवाया। इसके बाद गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी बन गए। ये वाक्य आपको गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कश्यप ऋषि और दक्ष प्रजापति की बेटी वनिता से गरुड़ की उत्पत्ति हुई। अपनी आने वाली रिपोर्ट में हम आपको गरुड़ पुराण की कई महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके मंगल जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।